भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के सब साथियों, सबसे पहले तो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जो बातें रखी है उस सब के नीचे मैं अपना सिग्नेचर कर देता हूं। और इसलिए रिपीट करने की जरूरत न पड़े, मैं आज इस इतने बड़े मीडिया का समूह है तो आपका भी और देशवासियों का गत 5 वर्ष में जो सहयोग मिला, समर्थन मिला, और ये जन सहयोग का ही कारण है कि हम इस कार्य को सफलतापूर्वक कर पाए। और इसके लिए मैं देशवासियों का, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अमान्य रीते ये स्वाभाविक है कि चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल अपनी अपनी बात लेकर के आती है, लेकिन राजनाथ जी के नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष जी ने जो कमेटी बनाई थी उसने पिछले 2-3 महीने लगातार मेहनत की और एक प्रकार से जन के मन की बात, उनकी आशा अपेक्षा आकांक्षाओं को सुनना, समझना और एक डॉक्यूमेंट में भले सब कुछ ना आ जाए लेकिन उसकी मूलभूत बातों को पकड़ करके आगे चलने का ये जो मेहनत की है इस टीम ने, मैं इस टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। शायद हिंदुस्तान में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में सरकार किन बातों को लेकर के आगे काम करे, जनता को इतनी बड़ी मात्रा में विचार विमर्श हुआ है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये लोकतंत्र का ट्रू स्पिरिट है और उसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो में 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। और उसी के आसपास हमारा पूरा ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इस पूरी रचना जो है उसमें एक आमतौर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है, लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब ढंग से मांग सके इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए। और वो है 2022, आजादी के 75 साल होंगे तब तक हमने देश के महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के आजादी का जंग किया था, आजादी के लिए बलिदान दिए थे, जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य से 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं, 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड, शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे। उसी साथ साथ हम जब इस मैनिफेस्टो को लेकर के आए हैं
तो साफ है हमारे मन में वन मिशन वन डायरेक्शन। हम देश को समृद्ध बनाने के लिए, सामान्य मानवी के सशक्तिकरण को लेकर के, जन भागीदारी को बढ़ाते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों को महात्म्य देते हुए, और सरकार की सबसे बड़ी कसौटी ये नहीं होती है कि आपने क्या किया, सरकार की सबसे बड़ी कसौटी है लास्ट माइल डिलीवरी की। और इसलिए वन मिशन वन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ना का हमारा निर्धारित मंत्र है। उसी प्रकार से हमारे समाज में विविधताएं हैं, भाषा की विविधता है, जीवन स्तर की भी विविधता है, शिक्षा में भी विविधता है, जीवन शैली में भी विशेषता है। और इसलिए एक ही डंडे से सबको हांका नहीं जा सकता, और इसलिए विकास को हमने मल्टी लेयर बनाने की दिशा में इसमें हमने समाहित करने की पूरी कोशिश की है। गांव हो, शहर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, पुरुष हो, महिला हो, नौजवान हो, सीनियर सिटीजन हो, हर एक को एक प्रकार से मल्टी लेयर हमने इसकी सबको एड्रेस करने की कोशिश की है। दूसरा हमने प्रयास किया है मल्टी डायमेंशनल, जैसी जहां आवश्यकता उस प्रकार से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक ही खांचे में, एक ही सांचे में, एक ही ढांचे में चीजों को समाहित करके हम परिणाम नहीं ला सकते हैं। राजनीति चल सकती है, लेकिन देश नीति चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमने मल्टी डायमेंशनल लेवल पे काम करना होता है, उसको हमने इसमें लेने का पूरा प्रयास किया है। अब जैसे उदाहरण के लिए आने वाले दिनों में भारत के सामने जो कुछ कठिनाइयां नजर आ रही है, जैसे पानी, खास करके मैं आज जब तमिलनाडु की गहराई में जाता हूं तो ध्यान में आता है कि आने वाले दिन कितने संकट वाले जा सकते हैं। राजस्थान, गुजरात जैसे प्रदेश सदियों से पानी के अभाव में जिए हैं, उन्होंने अपने रास्ते खोजे हैं, लेकिन आज भी देश के कई प्रदेश हैं उनके लिए भारत सरकार ने गंभीरता से सोच करके समस्याओं का समाधान करना होगा और एक लंबी योजना से करना होगा। और इसलिए हमने सोचा है कि देश में पहली बार जल की बात करता हूं तो जल भी पी लेता हूं, हम एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे। हमने इस बजट में मछुआरों के लिए, और कोस्टल एरिया में ही मछुआरे भाई बहन ऐसा नहीं है, हमारे देश की नदी तट की संस्कृति में मछुआरे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल एक्टिविटी का माध्यम रहे हैं, और इसलिए हमने इस बजट में मछुआरों के लिए एक अलग मंत्रालय की बात बजट में कही थी। हम आने वाले दिनों में जल शक्ति एक अलग मंत्रालय बनाएंगे, नदियों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पानी का कैसे हो, कोई हैंडपंप लगाए और चुनाव जीत जाते थे, वो एक जमाना था, लेकिन अब माताओं बहनों को पानी की दिक्कत से मुक्त करके नल से जल कैसे पहुंचाए, इस पर हम काम करना चाहते हैं। हम पानी के संबंध में एक स्पेशल टास्क फोर्स, एक मिशन मोड में रचना करके उसका हम एक बहुत बड़ा बल देकर के काम करना चाहते हैं। और खास करके मैं तो तमिलनाडु के लोगों से मिला था, ये विचार हमारे मन में कई छोटे छोटे इलाकों से दूर सुदूर लोगों ने हमें जो मन की बात भेजी इसमें आया है, और उसको लेकर के हमने
इसका महात्म्य समझा है और उसको हम आगे ले जाना चाहते हैं। हम लोगों ने 2014 से 2019 हमारे सारे कामों को देखेंगे, ये बात सही है कि कोई भी सरकार होती है बहुत लोगों को बुरा लगता है क्योंकि उससे कुछ लोगों के जो मूल एजेंडा है उसको तकलीफ होती है, लेकिन ये सही है कि गई बती हुई सरकार और हमारी सरकार का मूल्यांकन तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। और 2014 से 19 अगर एक शब्द में कहना है तो हमारे सभी कार्यों की रचना के मूल में सामान्य मानव की जो आवश्यकता है उसको एड्रेस करें, हमारे सारे कामों को उसको हमने बल दिया। लेकिन देश जिस उमंग और उत्साह के साथ सपनों के साथ चल पड़ा है, जो काम 50, 55, 60 के कालखंड में होना चाहिए था वो मुझे 2014 से 19 के बीच में करना पड़ा है, लेकिन उसके अनुभव के आधार पर, उस सफलता के आधार पर इस बार हमने पहले आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर के शासन चलाया, अब सामान्य मानवी की आकांक्षाओं को लेकर के हम क्या कर सकते हैं उसको घोषणा पत्र में लेके आए हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप नई नई आकांक्षाएं जगाती है। आपने देखा होगा हमने एक हिंदुस्तान का पूरा मैपिंग किया सब डिस्ट्रिक्ट का, और देश में करीब 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 150 डिस्ट्रिक्ट ऐसे निकाले कि जहां मिनिमम कुछ चीजों पर और बल देने की आवश्यकता है। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक स्ट्रेटेजी वर्कआउट की, हमने उसको काम किया। हमने तय किया कि पश्चिम भारत और पूर्वी भारत दोनों बराबरी कैसे करें, पूर्वी भारत को बल कैसे दें, और उसमें हम काफी कुछ आवश्यकताओं को एड्रेस कर पाए हैं। अब आकांक्षाओं को एड्रेस करने की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक समग्रतया भारत के विकास को लेकर के हम आगे बढ़ने के लिए चल जाए। एक और हमने विषय लिया है, आजादी का आंदोलन। देश में सैकड़ों साल की गुलामी के दरमियान कोई वर्ष ऐसा नहीं रहा है हिंदुस्तान का कोई न कोई कोना आजादी के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। सैकड़ों सालों तक हर वर्ष कहीं न कहीं बलिदानियों की परंपरा रही है, लेकिन आजादी को जब महात्मा गांधी ने जन आंदोलन बना दिया तो उसने बहुत बड़ी ताकत पाई। जैसे आजादी पाने में जन आंदोलन एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम बना, कोई रेंटियां काटता है तो आजादी के लिए, कोई प्रौढ़ शिक्षा करता है तो आजादी के लिए, कोई सफाई करता है तो आजादी के लिए, कोई शिक्षक का नाम काम करता है आजादी के लिए, कोई खादी के कपड़े पहनता है। गांधी जी ने उसको बहुत बड़ा एक व्यापक रूप दे दिया था। भारत को भी विकास के लिए विकास को जन आंदोलन बनाना है, और एक सफल प्रयोग आप देख सकते हैं स्वच्छता। हमारे देश में पहले हम गंदगी की चर्चा करते थे, गंदगी के विषय में हर बार खबरें भी आती थी, बातें भी आती थी, सब होता था, लेकिन पिछले 5 साल में स्वच्छता की चर्चा हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि गंदगी खत्म हो गई थी, लेकिन स्वच्छता की चर्चा करते करते हमने गंदगी को एड्रेस किया, यानी पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाते बढ़ाते नेगेटिविटी को खत्म किया, और इसमें मुझे देश के सभी मीडिया हाउस की मदद मिली। मैं आज उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, देश की युवा पीढ़ी की मदद मिली और वह जन आंदोलन बन गया। स्वच्छता के लिए कोई सरकार अपने खाते में सफलता का दावा नहीं कर सकती है, जन आंदोलन बना। जब जन आंदोलन बनता है तो कितनी बड़ी सफलता मिलती है, और इसलिए हम विकास को जन आंदोलन बनाने की दिशा में केंद्र से विचार लेकर के चलना चाहते हैं। ये भी सही है कि आखिरकार गरीबी से लड़ना है तो 50 साल के सारे प्रयोगों ने बताया है कि दिल्ली के एयर कंडीशन में बैठे हुए लोग
गरीबी को परास्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, इसलिए मैं कोई किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं। गरीब ही गरीबी को परास्त कर सकता है, यह हमारा मंत्र है। और इसलिए एम्पावरमेंट ऑफ पुअर। अब जब हम गरीब को घर देते हैं तो उसकी आवश्यकता पूरी होती है, नए एस्पिरेशंस जगते हैं और वो उसके लिए सोचता है, अब घर मिला है तो कर्टेन के लिए थोड़े पैसे बचाओ, वो सोचता है मेहमान आएंगे तो दो चेयर के लिए पैसे बचाओ, उसके उसका दिमाग बदलना शुरू हो जाता है। चीजें मैं छोटी बता रहा हूं, लेकिन मैं धरती का इंसान हूं, इसलिए बदलाव को बड़ी बारीकी से देख पाता हूं। और इसलिए एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन एंड पर्टिकुलरली एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, इसके लिए हमने बल दिया है। दूसरा, हमारे देश में एक सोच बनाई दी गई कि भाई जनता को कुछ भी दो कम पड़ता है, जनता को कुछ भी दो कम पड़ता है। ये मैं समझता हूं कि देशवासियों का अपमान है। हमारा देश ऐसा नहीं है जी। एक बार लाल किले से मैंने कहा था कि जो संभव हो अपनी गैस सब्सिडी क्यों नहीं छोड़ते हैं, और मेरा देश गर्व के साथ कह सकता है 125 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। हमने रेलवे के रिजर्वेशन के फॉर्म में लिखा था कि आप सीनियर सिटीजन हैं, आप रेलवे यात्रा में कुछ भी पाने के हकदार हैं, सब्सिडी पाने के हकदार हैं, लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि जरूरत नहीं है तो आप इसको छोड़ सके तो अच्छा होगा। छोटा सा वाक्य उस रिजर्वेशन फॉर्म में लिखा है। आप हैरान हो जाएंगे, मेरे देश के 50 लाख से ज्यादा सीनियर सिटीजन ने सब्सिडी लेने से मना कर दिया और पूरी टिकट से ट्रैवलिंग किया। देश के अंदर ये जो ताकत है, हम उसको एड्रेस करना चाहते हैं, हम इसको बल देना चाहते हैं, हम नागरिक पे भरोसा करना चाहते हैं, हम नागरिक के ये जो क्योंकि हम ही देश बड़ा बनाना चाहते नहीं है, हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग भी देश को बड़ा बनाना चाहते हैं। और इसलिए हमने हमारी सारी योजनाओं में नागरिकों की शक्ति है, उस शक्ति को हमारे विकास का आधार मानने का ये इस पत्र में हमारे कार्यक्रमों की रचना के केंद्र बिंदु में दिखेगा। हमारे देश में भ्रष्टाचार की चर्चा बहुत हुई है, शासकीय व्यवस्था में भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने में हमने बहुत सफलता पाई है। गुड गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, अकाउंटेबल गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, इन सारी बातों को बल देते हुए शासन व्यवस्था में हमने कई रिफॉर्म्स किए हैं। हमने कई अधिकार बहुत नीचे तक हमने दे दिए हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी मदद की है ट्रांसपेरेंसी में। चाहे जनधन, आधार, मोबाइल वाला हमारा जेम योजना हो या ई मार्केटिंग का हमारा प्रयास हो, बहुत बड़ा सफलता मिली है। इस चीजों को हम नीचे तक परकोलेट करना चाहते हैं और उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। किसान के लिए पेंशन की बात हो, खेत मजदूर के लिए पेंशन, इस एक बहुत बड़े कदम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो एक एश्योर्ड जिंदगी जीने के लिए, अपने परिवार के साथ काम करने के लिए सफलता से आगे बढ़ेगा। ऐसे अनेक विषयों की चर्चा आज यहां पर हमारे साथियों ने की है, लेकिन मैंने पहले ही कहा सभी क्षेत्रों में जब हम बात कर रहे हैं तब ये हमारा संकल्प पत्र, ये सुशासन पत्र भी है, ये हमारा संकल्प पत्र राष्ट्र की सुरक्षा का पत्र भी है, ये हमारा संकल्प पत्र राष्ट्र की समृद्धि का भी पत्र है। इन सारी बातों के साथ आपको याद होगा कि हम 90 के दशक में बार बार सुनते थे 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है, लेकिन देश को उसके लिए तैयार करने में हमने मौका गंवा दिया। 21वीं सदी
एक नारा बन गया, चुनाव में बोला जाता था, चर्चा होती थी। 21वीं सदी में तो हम दो दशक तो पार करने की पहुंच गए हैं। 2022 आजादी के 75 साल है और कुछ ऐसे ऐतिहासिक पल होते हैं जो प्रेरणा के लिए बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। अगर गांधी 150 तो अपने आप में स्वच्छता के लिए एक प्रेरणा का कारण बन सकते हैं, आजादी के 75 साल प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। अब हम सुनते हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। अगर 21वीं सदी एशिया की सदी है तो भारत उसको लीड करें या न करें, करना चाहिए कि नहीं कर चाहिए, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमारा संकल्प पत्र है। हम संकल्प के साथ चलते हैं कि जब हिंदुस्तान की आजादी के 100 साल होंगे, 2047, आजादी के 100 साल हो तब देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की ऊंचाई को कैसे पार करे। और ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें कह सकते हैं हम, लेकिन मैं 2047 की ओर नहीं ले जा रहा हूं आपको, लेकिन 2047 का जो मजबूत फाउंडेशन है 2019 से 24 में रखना होगा। 2019 के 24 के मजबूत फाउंडेशन के आधार पर ही 2047 आजादी के 100 साल देश और वो हिंदुस्तान के हर नागरिक का सपना बने, एक मास मूवमेंट बने। हमें देश को वहां ले जाना है और एक बार ये हम मिजाज पैदा कर देते हैं, हमने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में इस बात का इशारा किया है, विस्तार नहीं किया है, लेकिन हमने जो विस्तार किया है वो इन 5 सालों के लिए किया है। और उसमें हमने 2022 आजादी के 75 साल को देश के सामने हमने अपने आप को कटघरे में खड़े कर करके अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रस्तुत किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारा निर्णय है और हमने किया है। देश भ्रष्टाचार को सहने को तैयार नहीं है। कानून नियमों की व्यवस्थाएं हो, हमारा अप्रोच हो, और हम ईमानदारी को बल देते हुए, ईमानदारी की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए भ्रष्टाचार से मुक्ति की दिशा में जाना चाहते हैं। हमने देखा होगा कि 19वीं शताब्दी में हमारे देश में जो सामाजिक बुराइयां आई थी, बहुत बड़ी मात्रा में बुराइयों ने समाज को जकड़ लिया था। उस समय के नेतृत्व ने, एक तरफ आजादी का जंग चल रहा था लेकिन 19वीं शताब्दी में ज्यादातर सामाजिक सुधार के अभियान हुए। बड़ी हिम्मत के साथ हमारे देश के अनेक महापुरुष निकले और उन्होंने किया। आज समय की मांग है कि हमारी खास करके राजनीतिक व्यवस्था में, शासकीय व्यवस्था में जो बुराइयां घर कर गई है, 19वीं शताब्दी में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जिस प्रकार से एक जनचेतना का आंदोलन चला, आने वाले दिनों में इन एक निश्चित फ्रेमवर्क की व्यवस्थाओं के भीतर इस प्रकार की जो बुराइयां घुस गई हैं उसके खिलाफ कदम भी लेने हैं, नीतियां भी बनानी है, निर्णय भी करने हैं, लेकिन जन सामान्य का दबाव भी बढ़ाना है, एक जन आंदोलन भी करना है, सुधार के संकल्प की ओर जाना है। और उस दिशा में भी एक सकारात्मक विचारों को लेकर के हम देश को आगे ले जाने की दिशा प्रयास करते हैं। गांव, गरीब, किसान हमारे इस केंद्र में है। देश के नौजवान वो आने वाले 5 साल में 2047 का भविष्य तय करने वाले हैं और इसलिए देश के नौजवानों को उस प्रकार से परवरिश हो, देश के नौजवानों के लिए उस प्रकार के अवसर जिसमें हम कहें 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर में 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये अपने आप में बहुत ऊंचे लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं जो पूरी व्यवस्था को, आर्थिक आधार को एक नई ताकत देंगे और एक ऐसा परिवेश जो हिंदुस्तान इस 5 साल में ऐसी स्थिति में ला देना है ताकि वो 2047 की आकांक्षाओं को अपना सपना बना ले और सपना बना करके हम उस दिशा में सरकारें
आगे बढ़े उस बात को लेकर के एक फाउंडेशन का काम भी हम इसके साथ साथ करेंगे। आकांक्षाओं को पूर्ण करने का सपना लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर एक बार इस संकल्प पत्र की रचना में जिस टीम ने काम किया है उनका अभिनंदन करता हूं। मैं बारीकी में छोटे छोटे प्रोग्राम की रचना में नहीं गया हूं। एक मूलतः राष्ट्र को आगे 5 साल में किस दिशा में जाना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड मेरे मन में क्या विचार रहते हैं, उसको मैंने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। मैं फिर एक बार आप सबने जो कुछ भी सहयोग दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।